हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रोटी और राइस के बारे में, कि हम अपने डॉग को इन दोनों में से कौन सी चीज़ दे सकते हैं, क्या चीज़ हमारे डॉग के लिए हार्मफुल है और क्या हमारे डॉग के लिए बेहतर है। लेकिन मोस्टली जो मैंने चीज़ नोट की है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर लोग अपने डॉग को रोटी और चावल ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग डॉग फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें हमारे डॉग के लिए कितनी हार्मफुल है और कितने फ़ायदेमंद है, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वीडियो का एंड तक देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले बात करते हैं रोटी की। रोटी हम अपने डॉग को तब डालते हैं जब हमारा डॉग हमें वीक लगना शुरू हो जाए या वो वेट गेन ना कर रहा हो। तो आसपास के लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप अपने डॉग को रोटी डालना शुरू करें, ये वेट गेन भी करने लग जाएगा और बहुत जल्दी हेल्दी भी हो जाएगा। सो गाइस, 110% रोटी खिलाने से डॉग वेट गेन कर लेता है और काफ़ी हेल्दी भी दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि रोटी के अंदर ग्लूटेन होता है, जो कि डॉग की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्कोहल आज से पीना शुरू करो तो आपको एक महीने के अंदर उसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। ऑलमोस्ट जब आप अपनी ओल्ड एज में जाओगे तो तब आपको फील होगा कि यार, मेरे लिवर में कोई प्रॉब्लम है। और आहिस्ता जब आप टेस्ट करवाते हो तो आपको पता चलता है कि आपके लिवर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दी एल्कोहल। तो ग्लूटेन भी डॉग की हेल्थ में यही चीज़ बिल्कुल सेम इफेक्ट इसी तरीके से डॉग की हेल्थ पे करता है। सो गाइस, इस चीज़ से बचने के लिए हम यूं कर सकते हैं अपने डॉग को कि आपने दोनों टाइम डॉग को रोटी नहीं देनी, सिर्फ एक टाइम रोटी देनी है। और मैक्सिमम आप दिन में अपने डॉग को 1 से 2 रोटी दे सकते हो, इससे आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर अपने डॉग को 2 से ज़्यादा रोटी देते हो और दोनों टाइम रोटी ही दे रहे हो, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर योर डॉग। सो गाइस, जब भी आप अपने डॉग को रोटी दें, उसको मॉर्निंग टाइम में दें और साथ में चिकन या कोई और चीज़ भी ऐड करें, सिर्फ रोटी मत दें। रोटी के साथ आप उसको चिकन दे सकते हैं और 2-4 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर डॉग। सो गाइस, अब बात करते हैं राइस के बारे में। राइस में कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं होता जो डॉग की हेल्थ को ख़राब करे। चावलों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डॉग की हेल्थ को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि अपने डॉग को मॉर्निंग टाइम में चावल दे देते हैं और रात के टाइम रोटी देते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। उसका रीज़न ये है कि चावलों को डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है, रोटी को डाइजेस्ट करने में डॉग को थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में उसे रोटी देंगे तो सारा दिन में वो ईजिली उसको कंज्यूम कर सकता है और ईजिली उसे डाइजेस्ट कर सकता है। वेयर एज अगर रात में आप उसको रोटी देते हैं तो रात के टाइम उसने सोना होता है और कोई भी ऐसी हैवी चीज़ आप उसे दे दोगे तो उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है आपका डॉग बीमार भी हो जाए। सो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने डॉग को मॉर्निंग टाइम में रोटी और चिकन दें और शाम के टाइम पे चावल और चिकन दें, ताकि वो ईजिली उसे डाइजेस्ट कर सके। सो गाइस, एक चीज़ मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने डॉग की हेल्थ को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हो तो सिंपल से थोड़ा सा बजट निकाल के एक प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड अपने पास ले आएँ। और जो भी खाना आप उसे दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग टाइम में आप उसे रोटी और चिकन दे रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ 1 स्कूप या 1/2 स्कूप आप उसको डॉग फूड ज़रूर दें। और इवनिंग टाइम में भी यही चीज़ को फॉलो करें, चावल और चिकन के अंदर भी 1 या 1/2 स्कूप अपने डॉग को डॉग फूड ज़रूर दें। डॉग फूड डॉग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स डॉग की बॉडी को चाहिए होते हैं, दैट इज़ अवेलेबल इन द डॉग फूड। सो प्लीज़, डॉग फूड को हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते। रोटी और चावल हम अपने डॉग को देते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर डॉग फूड को ऐड करेंगे ताकि हमारे डॉग की जो हेल्थ है वो नेक्स्ट लेवल पर हमें नज़र आए। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। Love you all.